अस्सलाम वालेकुम। और सर्दियों का मौसम हो और मीठा खाने का मन ना करे, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बहुत मज़े का हलवा बन के तैयार हो जाता है। तो मूंग दाल को बिल्कुल 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के रखेंगे और उसके बाद अच्छी तरीके से एक पैन में हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब दूसरे साइड पर पैन पर मैंने ले लिया है घी, बिल्कुल 1/2 कप घी लिया है। 1/2 कप घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट जो भी पसंद है उसे ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद वही घी में हम मूंग दाल को जो हमने ग्राइंड कर लिया था उसे हम ऐड करके अच्छे से भून लेंगे कलर चेंज होने तक। उसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी जितना आपको मीठा पसंद है उतना, मैंने बिल्कुल पीसी हुई चीनी बिल्कुल हाफ कप चीनी ऐड किया है। उसके बाद हम दूध ऐड करेंगे, तो मैंने बिल्कुल 1 कप दूध ऐड करके अच्छे से उसे मिक्स कर लिया। कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि हमारा हलवा जो है वो जले ना। जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मावा ऐड किया कर लिया जो हमने रोस्ट कर लिया था, ड्राई फ्रूट्स उसे भी ऐड कर देंगे और गर्मा गर्म इसे हम सर्व कर लें। सर्दियों में ऐसा हलवा खाने का बहुत ही अलग ही मज़ा आता है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।